क्वेश्चन नंबर 374 इवेलुएट इंटीग्रेशन ई टू द पावर 2x अपॉन फोर्थ रूट ई टू द पावर x प्लस 1 dx. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन और इस ई टू द पावर 2x को हम लिख देते हैं ई टू द पावर x इंटू ई टू द पावर x अपॉन फोर्थ रूट ई टू द पावर x प्लस 1 dx और इसको बाय सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करेंगे. और अगर हम इसके इस ई टू द पावर x प्लस 1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अदर पार्ट आ जाएगा. Putting e to the power x plus 1 equal to t to the power 4, क्योंकि ये फोर्थ रूट है इसलिए हमने t की पावर 4 लिया. इससे थोड़ा सॉल्व करना ईजी हो. नाउ डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t. ये होगा 4 इंटू टी क्यू. सो देयर फोर आई इक्वल टू इंटीग्रेशन और यहाँ पे इस ई टू द पावर एक्स डी एक्स की जगह तो हो जाएगा ये 4t³ dt और इस ई टू द पावर एक्स के लिए यहाँ से निकाल लेते हैं. तो ये होगा t टू द पावर 4 माइनस 1 अपॉन और यहाँ पे पुट करेंगे t टू द पावर 4 तो ये होगा t और ई टू द पावर एक्स डी एक्स इसके जगह पे 4t³ dt. 4 कॉन्स्टेंट है तो इसको आउटसाइड ले लेते हैं और ये होगा टी टू द पावर 4 माइनस 1 और टी क्यू है और ये t है तो ये होगा t² इक्वल टू 4 इंटू इंटीग्रेशन t टू द पावर 6 माइनस t² इक्वल टू 4 इंटू इंटीग्रेशन t टू द पावर 6 dt माइनस इंटीग्रेशन t² dt. तो ये होगा t टू द पावर 7 बाय 7 माइनस t टू द पावर 3 बाय 3 प्लस c. 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 4/7 टी टू द पावर 7 माइनस 4/3 टी टू द पावर क्यू प्लस सी. और टी की वैल्यू को पुट कर देंगे अब टी इक्वल टू होगा ई टू द पावर एक्स प्लस 1 होल टू द पावर 7/4 4/3 इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस 1 होल टू द पावर 3/4 प्लस सी आंसर.